हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ चार ऐसे अलग अलग तरीके से बनाए गए नाश्ते जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, कम मेहनत में और कम चीज़ों से इसे हमने बनाकर तैयार किया है। इसे आप चलते फिरते भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम सूजी बॉल्स। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसको चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और इसमें डालेंगे हम एक कप पानी। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ही नमक। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम एक कप सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसे भी आप ले सकते हो। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है जब तक कि ये बैटर गाढ़ा ना हो जाए। जब भी आप जल्दबाजी में हो या फिर आपको नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा हो तो आप इस तरीके का बहुत ही जल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी और घी के साथ इसे थोड़ी सी देर हम और पका लेंगे। तो सूजी का बैटर बहुत ही बढ़िया तरीके से गाढ़ा भी हो गया है और पक चुका है। तो अब इसे हम एक थाली में पलट देंगे। सूजी का डो थोड़ा सा ठंडा हो जाए हाथ लगाने जैसा, उसके बाद हम इसको अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। हमने पहले ही सूजी के डो में थोड़ा सा घी डाल दिया था तो इसी की वजह से हमें कोई तेल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये आटा चिकना हो चुका है, हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसका मिक्सचर हाथों में लेकर इस तरीके से इसकी गोल गोल बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, एक सूजी की बॉल हमने बना ली है और इसी तरीके से सारी सूजी की बॉल्स हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। इससे आसान नाश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक बार आप इस नाश्ते को ट्राई जरूर कीजिए। अब एक कढ़ाई में हमने एक गिलास पानी डाला है। अब इसमें डालेंगे हम एक स्टैंड। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो आप इसमें प्लेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें स्टैंड डाल देंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम थाली और जो हमने सारी बॉल बनाकर तैयार की थी उसको इसके अंदर डालकर इसे स्टीम होने देंगे। तो लगभग इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने दिया है और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब एक पैन में हमने एक चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म होने लगेगा उसके बाद डालेंगे हम आधा चम्मच राई। 5 से 6 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको हमने बारीक काट लिया था, इसे भी हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच ही चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सूजी की सारी बॉल्स को और इसे भी हम थोड़ी सी देर फ्राई करके निकाल लेंगे। तो सारी सूजी बॉल्स को हम एक प्लेट में उतार देंगे। सूजी की बॉल्स के साथ हमने भुने चने की चटनी को सर्व किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जरूर ट्राई कीजिए। या फिर इस नाश्ते को आप टमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही इजी तरीके से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने पालक की बॉल्स को बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने 2 कप फ्रेश पालक लिया है, इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसके जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसको हमने निकाल लिया है और सॉफ्ट पत्तों को हमने ले लिया है। अब एक कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे हम 2.5 कप पानी। अब इस पानी में डालेंगे हम पालक के पत्ते और इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। और ये देखिए, पालक अच्छे से उबल चुका है। अब इसको हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सी के जार में इसको पीसेंगे। और ये देखिए, पालक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब सारे पालक को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका जो पानी बचा था उसको भी हम मिक्सी में डालकर इसको पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमने डाला है 2 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए, इस तरीके का हमें स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब गैस पर हमने फिर से कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच सफ़ेद तिल, 1/4 चम्मच कुटी हुई सूखी लाल मिर्ची। स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच डालेंगे जीरा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी सी देर पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। और अब इसमें डालेंगे हमने जो पालक का पेस्ट तैयार किया था उसे। अब मिक्सी में 1/4 कप पानी और डालकर कढ़ाई में डाल देंगे।
अब सारे मसाले को और पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी। तो ये मोटी वाली सूजी है, अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो उसे भी आप डाल सकते हो। सूजी और पालक को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है जब तक कि ये बैटर गाढ़ा ना हो जाए। सूजी मोटी हो या बारीक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और ये देखिए, सूजी को हमने 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में पकाया है और ये बहुत ही गाढ़ी हो गई है। ठंडा होने के बाद इसको एक बर्तन में पलट देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेना है। अब हाथों में हम फिर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसका थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसकी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया ये बॉल बनकर तैयार हो गई हैं। और इसी तरीके से हम सूजी और पालक की सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसको भी हम स्टीम करेंगे। तो एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी और इसके ऊपर रखेंगे हम जाली वाली प्लेट। प्लेट को हमने पहले ही तेल से ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर रखेंगे पालक सूजी वाली बॉल्स। तो सारी बॉल्स को हमने इसी के ऊपर रख दी हैं और इसको भी ढककर हम स्टीम होने देंगे। और ये देखिए, 10 से 15 मिनट में ही ये बॉल्स स्टीम हो जाती हैं। इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और इसे पूरा ठंडा होने देंगे। अब एक कढ़ाई ली है, इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें डालेंगे हम कुटी हुई सूखी लाल मिर्ची। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डाली है, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 सेकंड इसको पकाएंगे और इसके बाद डालेंगे इसमें पालक और सूजी वाली बॉल्स। बॉल्स को हमें थोड़ी सी देर मसाले में फ्राई करके निकाल लेना है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये मसाले बॉल्स के अंदर तक चले जाते हैं। इसके बाद इसको हम एक प्लेट में उतार लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, पालक और सूजी का ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बार आप भी इस नाश्ते को ट्राई कीजिए। अब बनाएंगे हम मटर की ये रेसिपी। जो जाते जाते मौसम में अगर मटर की ये रेसिपी नहीं बनाई तो फिर आपने क्या बनाया। यकीन मानिए, मटर की ये रेसिपी खाते ही आप तुरंत बनाना चाहोगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच तेल। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो हमें इसका बाटियों जैसा टाइट डो ही गूंथना है, इसका हमें सॉफ्ट आटा नहीं गूंथना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका आटा लगा लिया है। अब इसको हम थोड़ी सी देर रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। अब यहाँ पे हमने 1 कप मटर लिए हैं, इसको हमने अच्छे से धो लिया था और इसको डालेंगे हम मिक्सी के जार में। अब इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। तो इसे हमें दरदरा ही पीसना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको दरदरा पीसा है। अब यहाँ पे हमने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसको हाथों से मैश कर देंगे। इसे हमें पूरी तरीके से बारीक नहीं करना है, हल्के हल्के से थोड़े से मोटे टुकड़े रहना चाहिए। तो बस इस तरीके से हमने इसको मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हींग डाली है, इससे डाइजेशन सही रहता है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और जो हमने मटर को दरदरा पीस कर रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब एक पैन में हमने 2 छोटे चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा और जो हमने सारे मसाले को मिक्स करके रखा था आलू मटर वाला, उसे भी पैन में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, आलू और मटर थोड़ी सी देर में ही भूनने से ये मैश हो जाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच गरम मसाले का। गरम मसाले के साथ इसे भी थोड़ी सी देर भून लेंगे। अब गैस को बंद कर लेंगे और इस सारे मसाले को ठंडा होने देंगे।
अब यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली है, इसमें डालेंगे हम आधा कप मैदा, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच सफ़ेद तिल, एक चौथाई चम्मच डालेंगे नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से गाढ़ा घोल हमें बनाकर तैयार करना है। अब आटे को हम निकाल लेंगे और इसे बेलन से बेलेंगे। तो सूखा आटा इसके ऊपर डाला है और इसकी हमें एक मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम आलू और मटर का जो मिक्सचर तैयार किया था उसे, सारे मसाले को हम इसी के ऊपर डाल देंगे। मसाले को अच्छे से हमें फैला देना है, जो रोटी बनाई थी उसी के ऊपर सारे मसाले को हम फैला देंगे। सारे मसाले को हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हाथों से इसके किनारों को हम मोड़ेंगे, इसे हमें ध्यान से ही मोड़ना है और धीरे धीरे से इसका हमें रोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब जो लास्ट वाला किनारा है उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से चिपका लेंगे और हमें इसको हल्के हाथों से घुमा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको घुमा लिया है। अब इसे हम चाकू से कट करेंगे, तो आधे आधे इंच की दूरी में हमें इसको कट कर लेना है और इस तरीके से हम इसके रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे रोल हमें इसी तरीके से कट कर लेने हैं। अब एक छोटा रोल लेंगे और इसको हम हल्के हाथों से इसको सही शेप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये रोल बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने जो स्लरी बना के रखी थी मैदे वाली, उसके अंदर इसको डालकर अच्छे से कोट कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें डालेंगे हम रोल को। तो इस तरीके से सारे रोल को हम ले लेंगे और इसे हम मैदे के घोल में डालकर डिप कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे हम तेल में। तो कढ़ाई में जितना स्पेस है उसी के हिसाब से हम रोल डाल देंगे और इसे दोनों तरफ उलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया फ्राई हो जाते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्रेंड्स, आपको इन चारों रेसिपी में से कौन सी सबसे बेस्ट लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इस नाश्ते को आप धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही लाजवाब लगती है ये। अब बनाएंगे सूजी का झटपट बनने वाला नाश्ता। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली है, इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है और थोड़ी सी लाल मिर्ची को भी हमने बारीक काट कर डाल दिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, छोटी गाजर को हमने बारीक काट लिया है इसे भी डाल देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने एक कटोरी सूजी ली है, आप यहाँ पे कप के माप से भी ले सकते हो। तो आधी सूजी हमने मिक्सी के जार में डाली है और आधी हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें डालेंगे हम एक चौथाई कप दही और एक चौथाई कप पानी डालकर इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, गाढ़ा बैटर है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसको पीसेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो जाता है। इसे डाल देंगे हम एक बाउल में और बाकी की जो सूजी बची थी उसको भी हमने इसी तरीके से पीस लिया था। इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक और एक चुटकी डालेंगे हम इसमें मीठा सोडा। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें थोड़ा सा पतला कर लेना है। जैसे डोसे का बैटर होता है बस उसी तरीके से हमें इसको बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ पे हमने पालक का जूस बना के पहले ही तैयार किया हुआ था। 5 से 7 पालक के पत्ते लीजिए, उसमें पानी डालकर इस तरीके से जूस बना लीजिए। अब इसमें से एक चम्मच डालेंगे हम ग्रीन वाले बैटर में और इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा ग्रीन कलर हो जाए। गैस पर हमें पैन चढ़ा देना है और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। इसके अंदर डालेंगे हम सफ़ेद वाला सूजी वाला बैटर। 1 से 1.5 कड़ची हमें इसमें डालना है और इसे हल्के हाथों से फैला देना है। हमें इसे न तो ज़्यादा मोटा और न ही पतला बनाना है।
अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सब्जियां तैयार की थी उसको। अब इसको हमें एक मिनट तक पकने देना है। जैसे ही नीचे से ये पक जाए तो इसके ऊपर डालेंगे हम तेल और इसको हम पलट देंगे। तो दोनों तरफ पकने के लिए एक से डेढ़ मिनट लग जाता है। अब इसको हम पलटेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़। जैसे ही चीज़ मेल्ट होने लगे उसको हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख देंगे। तो इसी तरीके से ग्रीन सूजी वाला बैटर को भी हमें बनाकर तैयार करना है। बहुत ही इजीली ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ऊपर से डालेंगे तेल और इसको पलट देंगे। इसके ऊपर भी हम चीज़ डाल देंगे और जैसे ही चीज़ मेल्ट होने लगे उसको हम उसी पहले वाले नाश्ते के ऊपर डाल देंगे। तो इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। अब तीसरा भी नाश्ता हमने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिया है, बस इसके ऊपर हमने चीज़ नहीं डाला है। इसे भी हल्के से दबाकर सेट कर लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको कट करेंगे। तो जैसे हमने चीज़ डाला है, गरम गरम में ही ये तीनों नाश्ते आपस में चिपक जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो एक बार आप भी इस नाश्ते को ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही जल्दी और टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है।